दुनिया की छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, यह खुशी की बात है। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था नीतियां अभी भी दोयम दर्जे पर हैं, इसलिए इसके लाभ और नुकसान में जमीन आसमान का फर्क है, फर्क जो साफ दिखता है। आपको बता दें कि हमारे देश में रईसों के बढ़ने की रफ्तार अमेरिका और ब्रिटेन से भी ज़्यादा है, तो वहीं कोरोना काल में भारत में ऐसे अमीर जिनकी संपत्ति 200 करोड़ से भी ज़्यादा हो, उनकी संख्या में 11% की बढ़ोतरी हुई, यानी 200 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति वाले लोग बढ़कर 13,637 हो गए। इनमें से 30 से ज़्यादा अमीरों की संपत्ति दुगनी हो गई। वहीं दूसरा कड़वा सच यह भी है कि आम भारतीय की संपत्ति 7% घट गई। यही नहीं, आपको बता दें कि दूध, सब्जी और दाल के उत्पादन में हम दुनिया भर में अव्वल हैं, फिर भी हमारे देश के 22 करोड़ लोग या तो कुपोषित हैं या उन्हें एक ही वक्त का खाना मिल पाता है। वे लगभग रोज भूखे सोने को भी बस है। या कैसी बढ़ती इकोनॉमी है हमारी, कैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें अमीर लगातार अमीर और गरीब लगातार गरीब होता जा रहा है, या खाई बढ़ती ही जा रही है। तो वहीं भारत सरकार की होशियारी देखिए कि अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया में अव्वल बताने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन पौष्टिकता की तुलना की बात करें तो पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और नेपाल जैसे देशों को सामने खड़ा कर लेते हैं। यानी बड़े बड़े बोल बोल कर बेहतरीन तुलना करनी हो तो सबसे गरीब और छोटे देशों से करो, ताकि अच्छा दिखते रहो, अव्वल दिखते रहें। यही नहीं, गरीब और भूखमरी मिटाने की हमारी रफ्तार तमाम विकसित देशों से बहुत धीमी है, लेकिन हम इसकी तुलना में बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान को सामने खड़ा कर लेते हैं, इसलिए तो अव्वल कहलाते हैं। जहाँ तक भाजपा और संघ की नीति का सवाल है, तो हम हमेशा से वस्तुपरक मूल्य आधारित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखते हैं। ऊपर से हर बार यह कहा जाता है कि हमने तो गरीबों के भले के लिए कितने काम किए हैं। ऐसा कैसा विकास है कि गरीब दो वक्त खाना भी नहीं खा पा रहा है। मतलब सीधा सा है, आपके विकास के उद्देश्य में आपकी अर्थव्यवस्था की नीतियों में कोई ना कोई कमी है, जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं और नामी अर्थशास्त्री सुधार नहीं पा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।